तो आज मुझे मन हो रही थी आलू और न्यूट्रेला की सब्जी बनाने की, तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। तब मैं दुकान जाके फटाफट न्यूट्रेला लेके आई, फिर आलू को बॉईल किया और उसको छील के अच्छे से एक बर्तन में रख लिया। फिर न्यूट्रेला को फ्राई किया, उसमें नमक और हल्दी देके अच्छे से उसको फ्राई किया। फिर आलू और न्यूट्रेला को एक साथ फ्राई किया। आफ्टर फ्राइंग पेस्ट मसाला, फ्राई किए हुए न्यूट्रेला की रंग कुछ इस प्रकार की थी। गैस खत्म हो गई थी तो इसीलिए चूल्हे पे ही पकाना पड़ा। फिर आलू, न्यूट्रेला और मसाला को अच्छे से पकाया, उसको भुना। मसाला को कुछ इस तरह फ्राई किया गया था। आप लोग तो जानते ही हैं चूल्हे पे पकाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत धुएं की अटैक आती है, आँख को बहुत जलाना पड़ता है। ये बॉयल की हुई आलू थी, जैसे कि मैंने बताया गैस खत्म हो गई थी। और ये है मेरी प्यारी सिस्टर, क्योंकि ये ही पका रही थी। एक्चुअली क्या है ना, ये सब कुछ ये अच्छा से पका लेती है, ये डेलीशियस पकाती है, इसीलिए इसी को ही पकाने दिया। ये कोई भी डिश, कोई भी करी बहुत टेस्टी से बनाती है, इसकी हाथों में अलग ही जादू है। इसीलिए घर में जब कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है तो यही पकाती है। यहाँ पे धुएं की वजह से मेरी बहन की आंख जल रही है बिचारी, इसलिए जल्दी सब्जी बना के ये वीडियो बनाने चली गई। और इसका सारा वीडियो मैंने ही शूट किया था, क्योंकि इसने मेरे लिए सब्जी जो बनाई थी, खेतों में बहुत अच्छा सरसों भी फूल रहा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया वहीं पे जाके वीडियो शूट करती हूँ। हमने और भी जगह वीडियो शूट की। इसने मुझसे अपना एक वीडियो 10-10 बार शूट करवाया है, बहुत मेहनत लगती है गाइस इसकी वीडियो शूट करने।